नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज फिर से अब हम बात करने वाले काफी सारे सारी कमाल कमाल की गर्मागरम न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो जल्दी से यहाँ पर एक वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स को। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयां देना चाहूंगा जिनका जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है निकोन की तरफ से। निकोन और कैनन ने जो है कुछ दिन पहले यहाँ पर पार्टनरशिप भी की थी कि मिरर लेस जो है कैमरा यहाँ पर बनाते हैं। दरअसल ये मिरर लेस कैमरा होता गया है, इसके लिए शायद आपको कल तक मैं एक वीडियो बनाकर देने वाला हूँ टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन में, तो वो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। लेकिन अभी जो है इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, मतलब निकोन ने जो है यहाँ पर मिरर लेस कैमरा बनाना यहाँ पर शुरू कर दिया है, जो कि फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा यहाँ पर निकल के आएगा निकोन की तरफ से या फिर कैन आईकॉन की तरफ से, जो भी आप बोलते हैं। बात करते हैं फिलिप्स की। फिलिप्स भी जो है एक्सीडेंटली एक लीक यहाँ पर निकल के आई है फिलिप्स की तरफ से, जो कि आउटडोर लाइट्स होती हैं, हुई लाइट यहाँ पर निकाल दी है, जो कि लंबी सी पाइप होती है उसके अंदर से काफी बढ़िया सी यहाँ पर लाइट निकल के आती है। शायद आपके गार्डन में काफी अच्छी लगे, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं ये लीक हो गई है। अभी तक मार्केट में नहीं आई है, अभी सिर्फ इसका काम चल रहा है। जब निकल के आ जाएगी तब हम यहाँ पर फिर से बात करते हैं। और नया वीडियो मेरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। बात करते हैं स्नैपड्रैगन 710 के साथ निकल के आने वाले नोकिया के फोनिक्स नाम के स्मार्टफोन की, जो कि अभी मेटा डाटा के ऊपर यहाँ पर देखा गया है। अभी प्रूफ तो सिर्फ यही है कि जो मेटा डाटा के ऊपर यहाँ पर देखा गया था, हो सकता है कि 710 के साथ यहाँ पर निकल के आए। लेकिन ये पहले भी जो है न्यूज काफी सारी यहाँ पर निकल के आ चुकी है। तो आ रहा है आपके लिए नोकिया का एक फोनिक्स स्मार्टफोन जिसके अंदर होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 का सीपीयू, और इसमें यह बताया गया कि यह एक बजट स्मार्टफोन होने वाला है नोकिया की तरफ से। बात करते हैं सोनी एक्सपीरिया XZ3 360 डिग्री स्मार्टफोन की। ये भी जो है भी काफ़ी सारे रेंडर्स के अंदर ही चल रहा है, लेकिन कंफर्म यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और ये जो है कि अपडेटेड डिज़ाइन होगा पहले वाले मॉडल का ही, और डिजी टाइप दोनों तरफ से जो है कम बेजेल वाली यहाँ पर डिस्प्ले आपको मिलने वाली है। साथ ही जो ऊपर नीचे यहाँ पर सोनी सुधरने वाला बिल्कुल भी नहीं है, मोटी मोटी बेजेल यहाँ पर देने वाला है जैसा कि हमेशा करता है। क्वालकॉम एंड्रेनो टर्बो जीपीयू की भी बातें यहाँ पर निकल के आ गई है। कभी भी जो है क्वालकॉम इसको जो है मार्केट में उतार सकता है, और जो हुआवे का टर्बो जीपीयू है उसे यहाँ पर टेक ओवर करने के लिए जो है क्वालकॉम ने काफ़ी कमाल का यहाँ पर कमाल ही कर दिया है। इसकी फोटो के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फोटो के अंदर। अब एंड्रेनो का एक टर्बो जीपीयू आपको जल्दी मिलने वाला है, गेमिंग स्मार्टफोन के पर्पज के तौर पर जो है ये बनाया गया है। बात करते हैं सैमसंग की तरफ से, ये भी जो है स्मार्ट स्पीकर का यहाँ पर खुलासा कर चुका है। नाम रख दिया इसका मग बी के नाम से जो है ये स्मार्ट स्पीकर यहाँ पर निकल के आएगा सैमसंग की तरफ से। इसमें है बिक्सबी का सपोर्ट होगा, जो कि काफ़ी महंगी प्राइस के साथ ये निकल के आएगा। प्राइस रहेगी इसकी लगभग 27,000 से 30,000 रुपये, और IFA 2018 में ही इसे लॉन्च करने की यहाँ पर बातें हो रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है इतनी प्राइस के अंदर, मतलब और भी काफ़ी सारे आ रहे हैं यहाँ पर स्मार्ट स्पीकर, उनकी प्राइस इतनी नहीं है, तो सैमसंग ने ऐसा यहाँ पर क्या लगा दिया इसके अंदर, तो इसकी प्राइस जो इतनी ज़्यादा यहाँ पर कर दी है। नीचे कमेंट तो आप करते नहीं है, फिर भी कर दीजिए कमेंट, अपनी ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में निकाल दीजिए। बात करते हैं Xiaomi Redmi Note 5 की। चाइना के अंदर 6GB और 128GB का जो वेरियंट है चाइना के अंदर निकाल दिया है Xiaomi ने Redmi Note 5 का, मतलब अभी तक तो था नहीं लेकिन आज जो है चाइना में निकल के आ गया 6GB के साथ 128GB की रोम चाइना के अंदर यहाँ पर मिल रही है। प्राइस वगैरह का अभी कोई खुलासा यहाँ पर हुआ नहीं है, कितनी प्राइस जो है चाइना के अंदर यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि जस्ट जो है अभी अनाउंस किया है, शायद कुछ दिन बाद जो है इसकी प्रे बुकिंग हो या फिर डायरेक्ट जो है दुकानों में मिलने लगे, लेकिन अभी तक तो यहाँ पर पता नहीं है, लेकिन देखते हैं जो भी होगा बाद में पता चल जाएगा। बात करते हैं Xiaomi Mi A2 की। ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन यहाँ पर निकल गया है, और इसमें जो है स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर है। लेकिन जो मन्नू है Xiaomi के CEO इंडिया के, उन्होंने यहाँ पर बताया कि अगस्त 8 को ये इंडिया के अंदर आएगा, मतलब तो काफ़ी टाइम है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर आएगा तो भी जो है आपको लाइट वाला वर्जन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो एक कचरा है। अगर आप ले लेंगे तो आप बाद में जो है थोड़ा सा यहाँ पर दुखी हो सकते हैं, और स्पेशल वीडियो शायद रात तक जो है आपको यहाँ पर मिलने वाला है Mi A2 और Mi A2 लाइट के अंदर क्या क्या यहाँ पर डिफरेंस है, और क्यों आपको जो है Mi का A2 लाइट यहाँ पर नहीं लेना है। तो दोनों बातें मैं बताने वाला हूँ, स्पेशल वीडियो जल्दी यहाँ पर बनने वाला है। बात करते हैं गूगल की तरफ से निकल के आने वाली एक रिपोर्ट की, जिसमें जो है फिजिकल
टिपिकल यूएसबी सिक्योरिटी कीज होती हैं गूगल की, जो कि नॉर्मली आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर मिलती हैं। अगर आप गूगल के ऊपर ईमेल आईडी, जीमेल आईडी जो भी चलाते हैं या फिर यूट्यूब अकाउंट चलाते हैं मेरी तरह, अगर आपको ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो ये फिजिकल की जो है आपको वन टाइम ओटीपी के साथ है हर बार जो है पासवर्ड यहाँ पर जनरेट करके देती है, जिससे जो है हैकिंग का खतरा जो है काफ़ी कम यहाँ पर हो जाता है। लेकिन अभी जो है गूगल के यहाँ पर 85,000 एम्प्लॉयज़ जो है गूगल के वही यहाँ पर हैक हो चुके हैं इसी की के साथ, मतलब इस की को ही हैक कर लिया हैकर्स ने। तो क्या फ़ायदा है इसी की लेने से, अभी जो है गूगल पता नहीं क्या करेगा। एम्प्लॉय भी जो है फिशिंग यानी जाल में फंस गए, कांटे में फंस गए, किसी ने कांटा यहाँ पर डाला जैसे कि मछली पकड़ने के लिए डालते हैं, और ये एम्प्लॉयज़ भी फंस गए हैं। गूगल तो बहुत बड़ा यहाँ पर है इन सब चीज़ों के मामले में, लेकिन वो भी जो है यहाँ पर फंस गए, तो हम जैसे लोग पता नहीं क्या होगा हमारा। बात करते हैं होनर प्ले गेमिंग स्मार्टफोन की, जो कि क्रीन 970 GPU टर्बो सब कुछ यहाँ पर लेटेस्ट है। अभी जो है होनर यहाँ पर कुछ ना कुछ करने वाला है, मतलब आईफोन एक्स को भी ये बीट कर देगा एक दिन। और इंडिया में अगस्त 6 को ये निकल के आ रहा है, मतलब 6 अगस्त को अगर आपको चाहिए तो इंडिया में निकल के आ जाएगा। क्रीन 970 हुआवे का जो है लेटेस्ट फ्लैगशिप चिप है, अभी तो यही चल रहा है, और साथ ही जो है टर्बो वाला GPU, तो ये गेमिंग स्मार्टफोन यहाँ पर हो सकता है। मतलब ग्राफिक जो है काफी बूस्ट होकर यहाँ पर निकल के आने वाले हैं डिस्प्ले के ऊपर इस स्मार्टफोन में, तो देख लेना अगर आपको लेना है तो ये काफी मजेदार फोन है। इसमें मतलब मैं कुछ भी यहाँ पर बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्मार्टफोन है, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, परफेक्ट है तो है। नीचे कमेंट कर दीजिए, जो मर्जी कर दीजिए, कमेंट तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात करते हैं Xiaomi के पोको फोन की, जो कि F1 या फिर फॉर्मूला 1 पता नहीं किस नाम से निकल के आएगा। अभी भी जो है ये बताया गया है कि चिपेस्ट स्मार्टफोन ये होने वाला है, मतलब इसकी काफ़ी कम प्राइस के अंदर ये निकल के आएगा। आप जो ओप्पो के सस्ते सस्ते स्मार्टफोन यहाँ पर निकल के आ रहे हैं शायद उनको जो है टक्कर देने वाला हो, तो देखते हैं। अभी यूरोप का बताया गया स्नैपड्रैगन 845 का इसमें सपोर्ट होगा, ये एक अच्छी बात है। अभी यूरोप में ही निकल के आएगा पहले, बाद में शायद इंडिया में भी निकल के आया फिर ना भी आया, लेकिन जो भी है कम से कम इतने प्राइस के अंदर फोन निकल के आएगा तो शायद दूसरी कंपनी ओप्पो वीवो या फिर कुछ और निकालेंगे कुछ ना कुछ, तो इंडिया में आएगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि कम से कम प्राइस में स्नैपड्रैगन 845 का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाए तो काफ़ी अच्छा ही होगा ना। आप तो कमेंट कर दीजिए। बात करते हैं कंप्यूटर वर्जन रिसर्चर्स जो है यहाँ पर बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेंचमार्क ऐप, जिससे जो है आपको ये पता चलेगा कि आप जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसका हार्डवेयर क्या है, उसमें पावर किस प्रकार से जो है कंज्यूम यहाँ पर हो रहा है, किस प्रकार से आपकी बैटरी चल रही है, क्या क्या है उसके अंदर, किस प्रकार से क्या जो भी दिया है उसका क्या है, और इस स्मार्टफोन की अभी रेटिंग यहाँ पर क्या चल रही है, लोगों को कितना पसंद आ रहा है, ऐसा काफी कुछ जानकारी जो है वही एप्लीकेशन यहाँ पर देने वाली है। अब आर्टिफिशियल के साथ जो है एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए एप्लीकेशन यहाँ पर बनाई जा रही है, देखते हैं निकल के आती है तब कितना जो है सच्चाई यहाँ पर बयान करती है किसी स्मार्टफोन के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट का जो आउटलुक वेब मेल सिस्टम है उसके अंदर आपको अब डार्क मोड भी इनेबल करने की सुविधा माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर दे रहा है, तो ये काफी अच्छा लगता है। मतलब एप्पल के अंदर पहले डार्क मोड यहाँ पर निकल के आया था, और उसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट ने भी काफी सारे विंडो 10 के ऑप्शन भी फंक्शंस भी जो है डार्क मोड में यहाँ पर कर दिए हैं। अब आउटलुक को भी जो है डार्क मोड में यहाँ पर कर दिया है, सब कुछ जो है डार्क मोड यहाँ पर हो गया है, और डार्क मोड वैसे भी अच्छा लगता है आंखों की जो है, मतलब आंखों के लिए काफी अच्छा रहता है, ज्यादा लाइट जो है आंखों के ऊपर यहाँ पर नहीं जाती है तो उससे जो है देखने में काफी यहाँ पर सहूलियत हो जाती है। यही जो है डार्क मोड का सिस्टम यहाँ पर है, बाकी देखते हैं और क्या जो है माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर करने वाला। अभी जो है माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर नंबर 1 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और चला भी जाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट तो सॉफ्टवेयर बनाता है, ये सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी कर सकता है। बात करते हैं बोस की तरफ से, बोस जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, ये चाहती है कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं उनके अंदर हाइपर लोकल सिस्टम इस प्रकार से लगा दिया जाए जो कि वेदर यानी मौसम की भी जानकारी यहाँ पर निकाल कर दे दे। मतलब 10-20-50 किलोमीटर दूर एक कार यहाँ पर चल रही है, वो भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट है उसके साथ भी, तो वहाँ से जो है कनेक्टिविटी हर कार के अंदर एक दूसरे की कनेक्टिविटी यहाँ पर रहे कि कार जो है कहाँ जा रही है, तो वहाँ का जो है टेम्परेचर क्या है, वहाँ का मौसम कैसा है, क्या वहाँ पर तूफान आया हुआ है, क्या वहाँ पर बारिश आई हुई है, तो उस प्रकार से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सीखता चला जाए, उसी हिसाब से उस कार की स्पीड को यहाँ पर हैंडल करे और सामने जाना है कि नहीं जाना ये भी यहाँ पर तय करे, जैसे कि इंसान करता है। काफ़ी अच्छी सोच है वैसे बोस की, लेकिन पता नहीं ये फॉर्मूला सक्सेस होगा भी नहीं होगा या फिर कब तक चलकर यहाँ पर होने वाला है। बात करते हैं स्पेस एक्स की, स्पेस एक्स भी जो है यहाँ पर सेकेंड फाल्कन 9 रॉकेट जो है 3 दिन बाद यहाँ पर लॉन्च करने वाला है। अब देखना ये है कि ये मतलब वही पुराना बूस्टर यूज करके इसे लॉन्च कर रहे हैं, तो ये 8वीं या फिर 9वीं बार यहाँ पर होने वाला है।
तो पता चल जाएगा ये बूस्टर कितना यहाँ पर जो है शक्तिशाली है, जो है लगातार इसी बूस्टर का यूज किया जा रहा है, मतलब एक ही एक बूस्टर को काम में लिया जा रहा है हर रॉकेट को भेजने के लिए। बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 की प्री ऑर्डर बुकिंग जो है इंडिया में 19 अगस्त से यहाँ पर शुरू होने वाली है, तो अगर आपके पास पैसा है तो देख लेना वरना इकट्ठा कर लीजिए पैसा। तो काफी मजेदार मतलब ये फोन है सैमसंग गैलेक्सी नोट 9। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, या फिर आपको राइटिंग वगैरह करना पसंद है, या फिर काफी ज्यादा जो आप नोट पर बनाते रहते हैं एक मिनी डायरी निकाल कर, तो शायद आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है ये वाला सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 स्मार्टफोन। इसके अंदर जो है सब कुछ यहाँ पर होने वाला है, एस पेन का यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, फैबलेट टाइप जो है ये नॉर्मली यहाँ पर होते हैं और दिखने में शानदार, साथ ही जो है काफी सारे आपके काम कर देते हैं, आपको किसी से पेन मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से पेपर मांगने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखना है तो एस पेन निकाला और शुरू हो गए, काफी बढ़िया से जो है यहाँ पर निकल के आते हैं ये वाले स्मार्टफोन, लोगों को काफी यहाँ पर पसंद भी आ रहे हैं, इसी के कारण जो है सैमसंग आज नंबर 1 पोजिशन पर लगभग यहाँ पर चल ही रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ खास खास से बेस्ट न्यूज अपडेट्स है जो कि आपको चाहिए थी या फिर आपके लिए जरूरी भी थी, और भी काफी सारी यहाँ पर न्यूज अपडेट्स होती है लेकिन स्पेशली जो है निकाल कर मैं आपके लिए यहाँ पर डेली न्यूज अपडेट का एक ये एपिसोड लेके आता हूँ। तो आशा करता हूँ काफी कुछ जानकारी आपको अच्छी अच्छी इस वीडियो में मिली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके सामने बेल आइकन है उसे प्रेस करके उसे शुरू कर लीजिए, चालू कर लीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि उन्हें भी पता चले मैं भी आता हूं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो उनसे कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।